तो साल 2012 में आई द एवेंजर्स मूवी से लेकर साल 2019 की एवेंजर्स एंड गेम तक एवेंजर्स की पूरी टीम को कैप्टन अमेरिका ने लीड किया है, और कैप्टन की लीडरशिप के अंदर एवेंजर्स ने लोकी से लेकर अल्ट्रॉन तक और अल्ट्रॉन से लेकर थैनोस तक का सामना किया है। पर जब से कैप्टन एमसीयू से बाहर हुए हैं, तब से ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अब आगे वो कौन सा सुपर हीरो होगा जो कि फ्यूचर में एमसीयू की एवेंजर्स टीम का लीडर बनकर टीम को लीड करेगा। तो अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे एमसीयू के 10 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनके अंदर एवेंजर्स टीम का लीडर बनने की क्वालिटी है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ ऑसम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन एमसीयू का वो सुपर हीरो है जो कि ना सिर्फ पुरानी एवेंजर्स का हिस्सा रहा है, बल्कि वो फ्यूचर में आने वाली न्यू एवेंजर्स का भी हिस्सा होने वाला है। स्पाइडरमैन की एज बेशक से बाकी सुपर हीरोज के मुकाबले काफी कम हो, पर अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो वो स्पाइडरमैन के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने स्पाइडे ने ना सिर्फ वल्चर जैसे स्ट्रीट लेवल विलन का सामना किया है, बल्कि उसने थैनोस जैसे यूनिवर्सल थ्रेट का भी सामना किया है। और इसीलिए स्पाइडरमैन ये अच्छे से जानता है कि उसे किस विलन से कैसे फाइट करनी है और कौन से सिचुएशन को कैसे संभालना है। इसके अलावा स्पाइडरमैन एक जीनियस है, इसीलिए वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स का भी सामना कर चुका है जिन प्रॉब्लम्स को पावर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। और रही बात अपने स्पाइडी के स्पाइडर बॉय कहलाने की, तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद से अब अपना स्पाइडी एक प्रॉपर स्पाइडरमैन बन चुका है, जिसके अंदर अब उसकी नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी भी है, और इसीलिए स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर एवेंजर्स टीम का नया लीडर बनने के लिए बिल्कुल काबिल है। नंबर 9, शैंगची। तो शैंगची भी एमसीयू का वो सुपर हीरो है जिसके अंदर एक लीडर बनने की सारी क्वालिटीज हैं। शैंगची बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की इंटेंस ट्रेनिंग करता है, इसीलिए वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी है, और फाइट करने के मामले में अपने से कई गुना पावरफुल बींग्स का भी सामना कर सकता है। शैंगची के अंदर कई अच्छी क्वालिटीज है, जैसे कि शैंगची ना ही एरोगेंट है और ना ही वो जल्दी हार मानता है। इसके अलावा अगर शैंगची के आगे बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट भी आ जाए तब भी वो उसके आगे गिव अप नहीं करता है, जैसा कि हमने शैंगची मूवी के अंदर देखा था, जहां पर जब शैंगची का फादर शू वेनबू अपने टेन रिंग्स के साथ शैंगची के सामने खड़ा था, तब शैंगची ये अच्छे से जानता था कि वो किसी भी हालत में अपने फादर को नहीं हरा सकता, लेकिन ये जानते हुए भी शैंगची ने अपने फादर का डटकर सामना किया था। और इसीलिए एमसीयू के फ्यूचर में अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें शैंगची को एवेंजर्स को लीड करना पड़े, तब शैंगची बड़ी ही आसानी से एवेंजर्स टीम का लीडर बन सकता है। नंबर 8, थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, और इसीलिए थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थॉर एसगार्ड का राजा है जो कि एसगार्ड के साथ साथ बाकी के नाइन रियाम्स की भी प्रोटेक्शन करता है। थॉर ने हजारों सालों के अंदर हजारों बैटल्स लड़ी हैं, और उन बैटल्स के अंदर उसने अपने अनगिनत दुश्मनों को मारा है, और इसीलिए थॉर के पास बैटल्स को लड़ने का नॉलेज भी है और एक टीम को संभालने का एक्सपीरियंस भी है। और इसीलिए अगर कभी एमसीयू में जरूरत पड़ी तो थॉर अपनी लीडरशिप स्किल्स की वजह से एवेंजर्स की पूरी टीम को लीड कर सकता है। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं, जो कि अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है जो कि किसी भी सिचुएशन में तभी हाथ डालते हैं जब वो सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को रोकने के लिए सामने आए थे। और इसीलिए जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस का सामना किया था, ठीक उसी तरह से अगर फ्यूचर में कभी थैनोस जैसा कोई यूनिवर्सल थ्रेट फिर से सामने आए तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने के लिए फिर से आगे आएंगे और उसे डील करने के लिए अपनी टीम भी तैयार करेंगे। और वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज को अकेले काम करना ही पसंद है, लेकिन अगर सिचुएशन डॉक्टर स्ट्रेंज से अकेले हैंडल ना हो तब वो दूसरों की भी हेल्प लेते हैं। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा फिर से आएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज को सभी सुपर हीरोज को एक करके उन्हें लीड करने की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो काम बखूबी करेंगे और एवेंजर्स टीम के नए लीडर बनकर सामने आएंगे। नंबर 6, सर्सी। तो सर्सी एक पावरफुल इटर्नल है जो कि हमें नजर आई थी साल 2021 की द इटर्नल्स मूवी के अंदर। सर्सी एक प्रोमिनेंट लीडर है और इसके अंदर लीडरशिप की सारी क्वालिटीज हैं। यहाँ तक कि द इटर्नल्स मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि जब इटर्नल्स की प्रीवियस लीडर एजैक की मौत हो जाती है तब उसके आगे सर्सी इटर्नल्स की नई लीडर बनती है और इटर्नल्स की टीम को लीड करती है। सर्सी के अंदर भी लीडरशिप की बहुत सी क्वालिटीज है, जैसे कि सर्सी इटर्नल होने की वजह से बहुत पावरफुल है, उसे फाइट्स लड़ने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और क्योंकि वो हजारों सालों से जिंदा है इसीलिए उसके अंदर दुनिया भर का नॉलेज भी है। और इनके भी ऊपर सर्सी को लेकर तो ये भी कहा जा रहा था कि द इटर्नल्स के अंदर सर्सी को जानबूझकर लीडर बनाया गया है, ताकि एमसीयू सर्सी को उस मूवी में लीडर दिखाकर उसे फ्यूचर में एवेंजर्स को लीड करने के लिए सेटअप कर सके।
नंबर 5 हॉकाई। तो हॉकाई हमेशा सही एवेंजर्स टीम का की मेंबर रहा है, जिसने हर बार टीम के लिए अपनी लॉयलिटी को साबित भी किया है। हॉकाई एक शील्ड एजेंट है, इसीलिए उसके पास फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ काफी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है। हॉकाई बहुत ही कूल कैरेक्टर भी है, जो कि ना तो जल्दी गुस्से में आता है और ना ही अपने गोल से भटकता है। इसके अलावा बात करें अगर मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में साल 2012 के अंदर हॉकाई सीक्रेट एवेंजर्स नाम की एक एवेंजर्स टीम को लीड भी कर चुका है, और इसीलिए अगर कभी एमसीयू में जरूरत पड़े तो यहाँ भी हॉकाई आराम से एक लीडर बन सकता है। नंबर 4 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल करंटली एमसीयू के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि सिर्फ अर्थ के अंदर ही नहीं बल्कि अर्थ के बाहर भी यूनिवर्सल लेवल थ्रेट्स का सामना करती है। एवेंजर्स एंड गेम आने के बाद मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अब आने वाली फेजेस के अंदर कैप्टन मार्वल का रोल काफी मेन होने वाला है, और उनकी बात को सुनकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि मार्वल स्टूडियोज का प्लान यही है कि वो कैप्टन मार्वल को एमसीयू के सेंटर में रखना चाहते हैं। कैप्टन मार्वल की क्वालिटीज की बात करें तो एमसीयू में कैप्टन मार्वल थॉर के बाद दूसरी वो सुपर हीरो है जिसके पास सबसे ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैप्टन मार्वल यूनिवर्स के बहुत से प्लैनेट्स पर जाकर वहां पर फाइट्स लड़ चुकी है और उन बैटल्स को जीत भी चुकी है, और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर कैप्टन मार्वल एवेंजर्स टीम की नई लीडर बनकर एवेंजर्स को लीड करें। नंबर 3 ब्लैक पैंथर। तो अब वैसे तो एमसीयू का ब्लैक पैंथर मर चुका है, लेकिन हम सभी ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर ये देखा था कि मार्वल स्टूडियोज ब्लैक पैंथर को रिप्लेस करने की काफी कोशिश कर रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ये जानता है कि ब्लैक पैंथर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वकांडा देश का राजा है, जो वकांडा देश पूरे दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री है, और एमसीयू के अंदर ब्लैक पैंथर ने न सिर्फ अपनी वकांडन आर्मी को लीड किया है बल्कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर उसने अपनी आर्मी के साथ साथ बाकी के कई सारे एवेंजर्स को किया था, और उन सारे इवेंट्स को देखकर हम ब्लैक पैंथर की लीडरशिप क्वालिटीज को आराम से जान सकते हैं। कहीं हद तक मार्वल स्टूडियोज का प्लान भी यही था कि एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद वो ब्लैक पैंथर को एमसीयू के सेंटर में लाए और उसे एवेंजर्स का नया लीडर बनाए, पर चैडविक बोसमैन की डेथ की वजह से मार्वल अपने इस प्लान में कुछ चेंजेस कर सकता है और ब्लैक पैंथर को अभी ना सही लेकिन आगे चलकर एवेंजर्स का लीडर जरूर दिखा सकता है। नंबर 2 मिस्टर फैंटास्टिक। तो रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक फैंटास्टिक फोर टीम के लीडर हैं, और इनकी लीडरशिप के दौरान ही फैंटास्टिक फोर की टीम ने गैलेक्टस जैसे विलन्स को भी हराया है। मिस्टर फैंटास्टिक एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है, और अगर बात की जाए इनके इंटेलिजेंस की तो इनके इंटेलिजेंस को टोनी स्टार्क के लेवल का बताया जाता है। इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक इल्यूमिनाटी टीम के भी मेंबर है, और वो ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और इसीलिए अगर कभी जरूरत पड़ी मिस्टर फैंटास्टिक को एवेंजर्स टीम संभालने की तो वो एवेंजर्स टीम के लीडर बनकर वो काम भी बखूबी कर सकते हैं। नंबर 1 फैल्कन। तो फैल्कन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया कैप्टन अमेरिका है, जो कि अब एमसीयू में कैप्टन की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। फैल्कन यानी कि सैम विल्सन एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर है जिसने कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर बहुत से बैटल्स लड़े हैं, और उसी दौरान फैल्कन ने कैप्टन अमेरिका से सारी लीडरशिप क्वालिटीज को भी लर्न किया है। इसके साथ ही फैल्कन के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि कैप्टन अमेरिका के अंदर थी, जैसे कि फैल्कन भी कैप्टन की तरह देशभक्त है, हर मुसीबत का डटकर सामना करता है और दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और तो और फैल्कन ही वो अकेला बंदा था जिसके ऊपर कैप्टन सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, और फैल्कन उस भरोसे के काबिल बनाता अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए फैल्कन ही अच्छे से जानता है कि उसे कब कैसा फैसला लेना है और किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और इसीलिए फैल्कन एवेंजर्स को लीड कभी भी करें पर वो एक लीडर पहले से ही बन चुका है। तो यही एमसीयू के वो 10 सुपर हीरोज थे जो कि आगे चलकर एवेंजर्स टीम को लीड कर सकते हैं। वैसे आपको ये लिस्ट और ये सुपर हीरोज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल की और भी कई कमाल की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।